हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 5 फरवरी शनिवार बसंत पंचमी पर बनेगा विशेष संयोग। पीले रंग का ये एक छोटा सा प्रयोग दिलाएगा साल भर सफलता। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। बसंत पंचमी का पर्व ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। माता सरस्वती बुद्धि और विद्या की देवी है। इस पर्व के दौरान माँ सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ज्योतिष अनुसार इस साल बसंत पंचमी पर एक विशेष संयोग बनने जा रहा है, जिस कारण ऐसा माना जा रहा है कि इस वर्ष बसंत पंचमी का यह पर्व बेहद खास होगा। इस दौरान विशेष उपायों के साथ की गई देवी सरस्वती की आराधना से भक्तों और विद्यार्थियों को कई विशेष लाभ प्राप्त होंगे। आज हम आपको साल 2022 बसंत पंचमी तिथि पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और शुभ संयोग में सफलता प्राप्ति के लिए किए जाने वाले एक महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बताएंगे। बसंत पंचमी शुभ मुहूर्त 2022। साल 2022 में बसंत पंचमी का पर्व 5 फरवरी शनिवार के दिन मनाया जाएगा। पंचमी तिथि आरंभ होगी 5 फरवरी प्रातःकाल 3:47 पर। पंचमी तिथि समाप्त होगी 6 फरवरी प्रातःकाल 3:46 पर। बसंत पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 5 फरवरी प्रातःकाल 7:07 से दोपहर 12:35 तक। बसंत पंचमी विशेष संयोग 2022। बसंत पंचमी के दिन कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन पहला शुभ योग सिद्ध योग होगा, जो देवी सरस्वती के उपासकों को सिद्धि और मनोवांछित फल देगा। इसके साथ ही इस दिन रवि योग भी बनेगा, जो सभी अशुभ योगों के प्रभाव को दूर करने वाला होगा। यह दोनों ही योग विद्यार्थियों और विद्वानों के लिए फलदायी सिद्ध होंगे। यह योग 5 फरवरी को प्रातः 7:07 से लेकर दोपहर 12:35 तक होंगे। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन सिद्ध या रवि योग में विद्यार्थी यदि पूरे मन से माँ सरस्वती की पूजा और उपाय करें तो उन्हें माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होगी। बसंत पंचमी पूजा विधि। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त को पीले कपड़े पहनकर माँ की आराधना करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद माँ सरस्वती की प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित कर उनका तिलक करें। अब धूप दीप जलाकर माँ को पीले रंग के फूल अर्पित करते हुए उनकी वंदना करें और माँ को पीले पकवानों का भोग लगाएं। इस दिन पूजा स्थल पर वाद्य यंत्र और किताबें रखकर उनकी भी पूजा करें। पूजा के बाद शिक्षण सामग्री का दान करें। शास्त्रों के अनुसार यदि इस दिन देवी सरस्वती की पूजा के साथ ही सरस्वती स्रोत भी पढ़ा जाए तो इसके अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। बसंत पंचमी महत्व। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का जन्मदिन मनाया जाता है, इसीलिए इस दिन उनकी विशेष पूजा की जाती है। देवी सरस्वती जिन्हें विद्या व बुद्धि की देवी माना गया है, यदि इस दिन माँ सरस्वती की पूजा कर उनसे विद्या बुद्धि कला एवं ज्ञान का वरदान मांगा जाए तो व्यक्ति की ये कामना पूरी होती है। बसंत पंचमी से बसंत ऋतु का शुभारंभ भी होता है। इस दिन से ठंड खत्म होने के साथ ही एक बार फिर से सुहाना मौसम दस्तक देता है। चारों ओर हरियाली और रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। सेहत की दृष्टि से भी इस मौसम का खास महत्व है। साथ ही इस समय लोगों और पशु पक्षियों में नई चेतना का संचार होता है। बसंत पंचमी उपाय। बसंत पंचमी पर पीले रंग का बेहद खास महत्व होता है। पीला रंग न सिर्फ शुभ माना जाता है बल्कि पीला रंग शुद्धता और सात्विक प्रवृत्ति का प्रतीक भी होता है। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी पर पीले रंग के फूलों से पूजा करना बेहद शुभ होता है। इस दिन पीले रंग के पकवान का भोग माँ सरस्वती को लगाएं और पीले रंग के वस्त्र व रुमाल धारण करें। इसके अलावा छात्रों को एक कलम और अपनी कॉपी किताबों पर शुभ योग में हल्दी से तिलक लगाना चाहिए। ये उपाय पूरे साल भर आपके लक को बढ़ाने वाला उपाय माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारी पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।